अब जो गुरु से प्रेम है ना वो शरीर का है ना वो मन का है अब जिसके अंदर अध्यात्म में गहरा उतरने की चाह होगी और जिसके अंदर बहुत अच्छी बुद्धि होगी वो ही गुरु के वर्थ वैल्यू मूल्य को जान सकता है दूसरा तो समझ ही नहीं सकता जैसे कहते हैं जब कोहिनूर हीरा अपनी खान से निकला था तो सालों सालों उसका कि कटिंग कुछ हुआ नहीं था अभी तो उसी क्रूड फॉर्म में तो सालों किसी के घर में खेलने के लिए इस्तेमाल हुआ है और एक बड़ी लंबी जर्नी हो करके वो किसी ऐसे हाथ में पहुंचा जिसने पहचाना कि ये तो बहुत बड़ा हीरा है और फिर उसकी जब शेप और कटिंग और वो सब कुछ हुआ है तब उसका आकार और उसका मूल्य और उसकी कीमत का जो ज्ञान तब जा के हुआ है पहले कहाँ हुआ तो शरीर से शरीर का आकर्षण समझो जैसे वो बिल्कुल खान से अभी निकला है तो कुछ है उसमें क्या पता चलेगा और फिर ये आकर्षण जो होता है ये भी बड़ा टेम्परेरी सा होता है को बहुत बड़ी आधारशिला नहीं बन सकता जैसे विवाह में सिर्फ शरीर से शक, शरीर का अगर आकर्षण है बहुत अच्छा नहीं चलने वाला क्योंकि वासना का कोई अंत नहीं है तो वो एक स्त्री या एक पुरुष से कभी संतुष्टि नहीं हो पाएगा तो उसका दिमाग तो कई जगह जाने वाला है अब जो मन से मन का जो लगाव होता है वो विचारों का है संस्कारों का है तो ये थोड़ा श्रेष्ठ हो जाता है लेकिन गुरु के साथ जो संबंध जुड़ता है ना वो शरीर का है ना वो मन का है हम ये कह सकते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए परमात्म स्वरूप जानने के लिए जो अंदर एक तड़प एक चाह एक इच्छा आती है उस इच्छा के बाद अब संसार में जिसका खुशी चल रही है मैंने कमाया खाया मज किया कमाया खाया पार्टी करी उनको तो ना गुरु चाहिए ना ज्ञान चाहिए ना उसकी जरूरत है वेयर देर इज़ नो डिमांड देर इज़ नो सप्लाई most of the people do not want any spiritual evolution at all. they are very happy in their pleasures and parties and attainments, what they physically they are going to go for. they are very happy with that. they don't even think about it. they don't even understand this. it's just like um, the classical music is not understood by every commoner. Art is not understood by everyone. You have to have a special training and liking and passion for that. Dharma, the Adhyatma, is like the highest art, if I have to say. So, for that, you have to be really, really intelligent. <music>